अस्सलाम वालेकुम गाइस, यार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो यार आपको एक नए और अच्छे से व्लॉग में आपका वेलकम हो गया गाइस। हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार अभी शहरी में कुछ टाइम है तो आज हमने कहा पहले से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे एक सजेशन चाहिए था। यार ये देखो, ये मेरे बाल हैं और ये मेरे बाल बहुत, मतलब मुझे छोटे बाल नहीं अच्छे लगते, तो सजेस्ट करो कि ईद से पहले पहले मैं, ये जो मेरे बाल है ना, इसको कोई लंबे करने की ना मुझे ट्रिक बताओ, जिससे मेरे बाल ना कम से कम इतने हो जाए, इतने, हाँ, क्योंकि पहले भी इतने ही थे। तो गेस करो कि बाल किस तरीके से लंबे करूँ, और बताओ यार ये छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं या लंबे करूँ, क्योंकि मुझे लंबे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यार आइडिया दो कि लंबे बाल ज़्यादा अच्छे होते हैं या छोटे। और अभी आपको मिलते हैं शहरी में थोड़ी देर तक। तो जनाब ये बन रही थी शहरी, आज मैं आपको बना दिखाती हूँ कि अंडा ये वाला बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अभी शायद बन गए, हम इसको उतारते हैं उसको देखते हैं। तो यार पराठा तो अच्छा बन गया, लेकिन ये अंडा है ना, ये अच्छे के चक्कर में ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पका दिया। तो जब बोला ना चीज़ अच्छी आप बना रहे हो तभी अच्छी नहीं बनती, तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि चीज़ अच्छी आपसे बन गई है। हाँ मैंने आग हल्की की है। तो भाई इसमें अच्छा मैं आपको मिलती हूँ। तो यार आपने पराठे तो देखे होंगे जैसे पराठा बनता है, अभी अंडा पराठा मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे पता नहीं आप लोग खाते हो कि नहीं खाते, बट ये मम्मा अपने नहीं बनाने लगी हैं, ये बड़ा ही मज़ेदार होता है। क्या चाहिए? चिमटा ही पड़ा। चलो आज का दिन मेरे लिए ख़राब ही है, छोड़ दो अभी धुलेगा ही। इसको उतार दो ना। हाँ हाँ मैं उतारती हूँ। तो यार ये देख लो, ऐसा तो वैसे आज काफ़ी कुछ हो गया। अब अंडा डालने लगी हो? तो यार पता नहीं आज क्या है, इधर हाथ पे लग गया है, ऑयल गिर गया है, दुपट्टे पे ऑयल लग गया है, इसके बाद क्या क्या होने पता नहीं मेरे को। यहाँ पे लग गया। हाँ मैं लगाती हूँ, मैंने कहा एक दफ़ा ये अंडा दिखा दूँ फिर लगाती हूँ। लगाना तो पड़ेगा क्योंकि दर्द हो रही है, गला भी बंद हो गया, अभी रमज़ान का स्टार्ट ही है, गले का क्या हाल हो। देखो आपने बस नॉर्मली नमक मिर्च डालना, अंडा फेंट लिया, इसके बाद आपने इस पर डाल लेना इसको। और अब ये बनता है ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो यार जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो ये था, जैसे अंडा ना रोटी के साथ चिपक गया, ये नीचे रोटी है और ये ऊपर अंडा है, ठीक है? अब ये बनता है ना, बन तो गया है, अब बस ये खाना है और खाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और यार ये बन गई थी हमारी चाय बन गई, और चाय बनने के बाद फिर हम भी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर सही हो जाएगी, क्योंकि आजकल आज जो होना था मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया मेरे साथ और कुछ रहता नहीं है। तो यार जनाब हमने ना कर ली थी सहरी, ठीक है? आज पता नहीं किचन में मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, मेरा साइड बट्टा भी ख़राब हो गया, अंडा भी ज़्यादा बन गया और जो जो हुआ। तो गाइस यार अभी हम आपको मिलते हैं बहुत लंबी ब्रेक के बाद, ठीक है? तब तक आप भी सो जाओ, हम भी सोने लगे। तो जनाब सीन कुछ ऐसा है कि गाइस मैं उठ गई थी इफ्तारी के लिए, थोड़ी सी आज देर हो गई थी, तो यार मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और जो भी पढ़ना था वो पढ़ा, क्योंकि मुझे देर हो गई थी। तो यार अब सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम किचन में आ गए, ठीक है? यहाँ पर मम्मा ने कुछ बना रही हैं, ये आई थिंक बन रही हैं भिंडियाँ जो कि मैं नहीं खाती, और ये आई थिंक कीमा है, मैंने मम्मा को बोला था कि मैंने कीमा वाला समोसा खाना तो मुझे बना दो, मैं कौन सा उसमें कीमा बन रहा। तो भाई अब हम ये चीज़ें साइड पे करके बनाते हैं इफ्तारी, तो आओ चलो मेरे साथ बनाओ इफ्तारी। गाइस गेस करो कि मैं किसकी नकल कर रही हूँ, एक वीडियो थी बहुत फेमस डकी भाई और अरूप की, तो अरूप कुछ ऐसा बोलती है तो डकी भाई इसकी ऐसी एक्टिंग करते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ देम। हो गया है ऑल थैंक्स टू सर। देखो मैं आपको तुम्हारी तरह व्लॉगिंग 100K कंप्लीट हो गया है, आज हमारी
भाई बहन के 100K फॉलोअर्स हो गए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, मिलके बनाते हैं अफ्तारी। चलो यार, तो यार गाइज अफ्तारी मैंने बना ली थी, ठीक है गाइज। ये देखो, ये अफ्तारी बन चुकी भी है और इस रोज़ा खुलने में ना सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, तो बस हम चलते हैं बाहर करते हैं इफ्तारी। पता नहीं क्या सीन है, जितना मर्जी मैं जल्दी कर लूँ ना अफ्तारी में, एंड में देर हो ही जाती है। पता नहीं क्यों, कभी मुझे ऐसा लगता है मैं सुकून से 5 मिनट पहले बैठ के कब अफ्तारी करूँगी, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। एंड में कुछ ना कोई काम रह ही जाता है। ठीक है, आज मैंने फ्राइज़ भी थोड़ी सी बनाई थी साथ, मैंने कहा कुछ कुछ कम लग रहा था, फ्राइज़ बना लेते हैं थोड़ी सी, अच्छा हो जाएगा। और अभी यार मैं बालों की ऑयलिंग करवाने लगी हूँ मम्मा से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना रात को सही टाइम के, मैंने कहा है कि अभी बाल किसी तरीके से लंबे करने हैं क्योंकि बहुत छोटे हो गए, तो अब इस पर ऑयलिंग करते हैं, देखते हैं कि ये कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो लगता है ऑयल लगाने के बाद और बाल टूटते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई। तो यार यहाँ पे हम करवा रहे थे हेयर ऑयलिंग मम्मा से, तो बस वो मालिश करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, उस वक्त मैंने बस वीडियो बनाई थी और अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर इसमें, तो ठीक है। तो यार मैंने मम्मा से ना ऑयल लगवा लिया था बालों में अच्छे से, ठीक है, तो बस अभी हम इसको थोड़ी देर लगा ही रखेंगे और 2-3 घंटे बाद इसको वॉश कर लेंगे। और ये हम अब ना वीक में ना 2 दफ़ा लगाएंगे कि शायद लंबे हो जाए, उम्मीद तो है, बट ठीक है अब जैसे भी लगेंगे। तो अभी के लिए गाइज मेरे चैनल को कर दो लाइक, मैं सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दो नेक्स्ट अपडेट के लिए, और गाइज मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।